तो दोस्तों झूले कभी ना भूले, और आई होप आप सभी लोगों को जो मेरे बैक टू बैक लद्दाख सीरीज़ के एपिसोड्स हैं वो आप सभी लोगों को पसंद आए होंगे। और अभी हमारा टारगेट ये है कि हम आपको पूरा लद्दाख का इन्फॉर्मेशन बताएं कि आप किस तरीके से लद्दाख ट्रैवल कर सकते हो और कहां कहां पे घूम सकते हो, क्या गाइडलाइंस है, कोविड के रिस्ट्रिक्शंस क्या है, क्वारंटीन्स के गाइडलाइंस क्या है, परमिट के लिए क्या करना चाहिए और किस तरीके से कौन से वे से ट्रैवल करना बेस्ट रहेगा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम मैं आप लोगों को इस बार बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड सबसे पहले मैं बात करता हूँ अबाउट इज़ लद्दाख ओपन फॉर टूरिस्ट और नॉट। सो लद्दाख कम्प्लीटली ओपन हो चुका है टूरिस्ट के लिए, इवन लद्दाख एंड हिमाचल दोनों ओपन हो चुके हैं टूरिस्ट के लिए। तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, लद्दाख घूम सकते हो। आपको जो जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइडलाइंस विच वी हैव टू फॉलो, तो पहला गाइडलाइन नंबर अबाउट कोविड, ऑब्वियसली आपको, आप अगर बस जर्नी कर रहे हो या आप गाड़ी से जा रहे हो या आप बाइक से जा रहे हो या आप यू नो इवन फ्लाइट से जाओ, आपको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जो है आरटीपीसीआर रिपोर्ट, खास करके बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि कौन से टाइप का रैपिड टेस्ट चलेगा या नहीं, तो नहीं चलेगा। आपको आरटीपीसीआर जो रिपोर्ट है वो 96 आवर के अंदर का होना चाहिए और वो कंपल्सरी है। और प्लस उसके बाद भी अगर आप मान लो कि कोई लोकेशन पे जाते हो तो वहाँ पे रैपिड टेस्ट जो है वो भी हो सकता है टू जस्ट चेक कि भाई यू नो कोई आपको कोविड इन्फेक्शन तो है या नहीं। और अगर इवन कोविड इन्फेक्शन आता है या तो ऐसा कुछ रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो आपको 7 डेज का जो उनका क्वारंटीन रूल है वो आपको लेके होटल के अंदर कंपल्सरी फॉलो करना पड़ेगा आपके कॉस्ट पे। सो ये है कोविड के रिगार्डिंग गाइडलाइन के, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी। अगर आप फ्लाइट की बात करो तो फ्लाइट में तो आपको बोर्ड ही नहीं करने देंगे अगर आपके पास आरटीपीसीआर का रिपोर्ट नहीं होगा तो, और यू नो आने के बाद भी आपका जो रैपिड टेस्ट है वो होने वाला है, तो वो वाले चीज़ को आप जरूर से ध्यान दें। इवन मास्क इज़ कंपल्सरीली एंड सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स है उसको आपको फॉलो करने के रहेंगे। दूसरी बात करते हैं कि किस तरीके से हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो अगर आप बाइक से ट्रैवल करते हो तो आपके पास दो रास्ते हैं, आप या तो दिल्ली मनाली से होते हुए यू नो सरचू पास से होते हुए लेह पे जा सकते हो, और या तो आप दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से श्रीनगर और श्रीनगर से लेह जा सकते हो। अगर आप चंडीगढ़ से जा रहे हो और श्रीनगर से लेह जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वन डे फ्राइडे का जो डे होता है वो मेंटेनेंस डे रखते हैं, तो उस डे पे जो श्रीनगर से कारगिल का जो रास्ता है वो बंद होता है, तो उस टाइम पे आपको अलाउ नहीं करेंगे जाने के लिए। तो आपको ये चीज़ पे ध्यान देना रहेगा कि यू नो आप अगर ट्रैवल करते हो तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप वो डेज पे ट्रैवल ना करें। कभी कभी वो लोग शाम को अलाउ कर देते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है। आपको जो अभी जाने का है तो उसके अंदर वी डोंट वांट के आप कोई रिस्क जो है उसको फेस करो। जो दूसरी बात है मनाली से, तो आपको कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, आपको जस्ट एंट्री करवानी रहती है और आपको परमिट तुरंत ही मिल जाता है, तो आप आराम से लेह पे पहुंच सकते हो। अगर फ्लाइट से जा रहे हो तो भी आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, और जो बस की जो सर्विस है वो भी 2 जुलाई से लेह के अंदर शुरू हो चुकी है। सो आप दिल्ली से सीधा मनाली होते हुए लेह या तो दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए लेह जो है वो बस के थ्रू भी जा सकते हो, आरामदायक जर्नी रहेगी, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। सो ये पूरा का पूरा जो चीज़ है वो अबाउट हाउ टू रीच टू लद्दाख के बारे में। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप एक बार लद्दाख में गए उसके बाद का क्या सिनारियो है। तो देखो, आप जब भी लद्दाख में जाओ तो आप पैकेज भी ले सकते हो, आप अपने खुद से ट्रैवल भी कर सकते हो अपने हिसाब से, और उसका तरीके से पेमेंट कर सकते हो। मैं आपको पूरा वन बाय वन पॉइंट पे मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ है कि आप पैकेज ले लो, आप लद्दाख जाओ, आप लद्दाख पे पैकेज ले लो, अराउंड टू अराउंड 19-20 हज़ार रुपये, 16,000 से लेके 20,000 रुपये के बीच में आपको पैकेज पड़ेगा, जिसके अंदर आपका जो कवरेज है उसके अंदर आपको 2 दिन ले मैग्नेटिक हिल और संगम पॉइंट, जेंसकर वैली, एंड देन आफ्टर आप अगर आप देखोगे तो नुब्रा वैली, पेंगोंग लेक जो है
वहाँ पे नुब्रा में भी आपको 2 दिन का स्टे मिल जाएगा, टुटुक विलेज आपका कवर हो जाएगा, उसके बाद पेंगोंग जो लेक है वो भी आपका कवर हो जाएगा, और बस वो मतलब उतना जो आपको है वो मिल जाएगा इन अराउंड 16,000 से लेके 20,000 तक में। तो ये आप पैकेज जो है वो भी ले सकते हो। अगर आपको पैकेज बुक करना है तो मैं आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल रहा हूँ नीचे, आप वो कॉन्टैक्ट करो, नूरबू जी को कॉन्टैक्ट करो या थ्रिलोफिलिया में कॉन्टैक्ट करो और आप डायरेक्टली जो पैकेज है वो ले सकते हो। और दूसरा चीज़ है कि आप अपने मनपसंद के जो लोकेशन है वो चूज़ करो और वो उसमें ड्राइव कर दो। उसके लिए भी मैं गैसो जी का नंबर डाल रहा हूँ। ये जो गैसो जी है वो बहुत ही अच्छे ड्राइवर है और बहुत मज़ा आया था, हमने उनके साथ ट्रैवल किया, लाइक एक फैमिली मेम्बर जैसा ट्रैवल जो है वो हो चुका था। तो बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस है और आपको रिजनेबल रेट के अंदर वो घुमा भी देंगे। तो आप वो वाला जो चीज़ है वो भी आप कर सकते हो, तो उनका भी मैं नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ नीचे। तीसरी चीज़ है कि आप वहाँ पे जो लेह लद्दाख में जो बसेस है वहाँ से भी ट्रैवल आप कर सकते हो, वो भी इंटरनली बस जो है वो शुरू हो चुकी है। सो डोंट वरी गाइज, आप वहाँ पे बिंदास होके अच्छी तरीके से ट्रैवल कर सकते हो। अभी बात आती है वहाँ पे जाके आप बाइक जो रेंटल है वो भी ले सकते हो, बाइक रेंटल के भी नंबर मैं डाल रहा हूँ। गाइज ये सब नंबर मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को जहाँ जहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है वो एक्सपीरियंस मैं डाल रहा हूँ। सो बाइक राइडिंग का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, हमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल चुका था, तो आप बाइक जो है वो भी रेंट कर सकते हो लेह से। और मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जैसे ही लेह पहुंचते हो तो 1-2 दिन रुक जाओ लेह में, ऐसा गाई मत करो। आप घूमने के लिए जा रहे हो, आप अपनी हेल्थ को भी आपको संभालना पड़ेगा। अक्लमाटाइजेशन जो है उसके अंदर मिनिमम 1-2 दिन का टाइम लगता है, तो प्लीज़ मेक श्योर करो, इतना सुपर हीरो बनने की कोशिश नहीं करने की है, क्योंकि आप एक लाइक काइंड ऑफ यू नो डेंजर काइंड ऑफ जो मीटर्स है उसके अंदर ट्रैवल करते हो, और मेरे हिसाब से इतना एल्टीट्यूड पे पहुंचने के बाद आपको थोड़ा रुक कर थोड़ा रेस्ट करके और अपनी बॉडी को टाइम देना चाहिए नए एनवायरनमेंट के साथ सेटल होने में। सो आई थिंक वो चीज़ आप ऑब्वियसली वहाँ पे भी आपको पैकेज अगर आप कोई भी लोगे तो उसमें आपको यही सजेशन दिया जाएगा। तो सबसे पहले 2 दिन वहाँ पे एंजॉय करो, वहाँ के जो लोकल फूड है, लद्दाखी फूड है जो मैंने टेस्ट किया था, और खास करके वो थी थू सूप है वो बहुत ही प्यारा होता है, तो आप वो एंजॉय करो और मज़ेदार तरीके से आप वहाँ पे सबसे पहले 2 दिन वहाँ पे रुको, और उसके बाद आप बाइक जो है वो रेंटल करके बाइक टूर जो है वो भी कर सकते हो। याद रखना, अगर आपके पास मनाली पासिंग का जो बाइक है, मतलब कि मनाली का रेंट किया हुआ बाइक है, तो वो आपको एंट्री नहीं मिलेगी लेह लद्दाख के अंदर चलाने के लिए। प्लीज़ गाइज ये ध्यान रखना, अगर आपके पास चंडीगढ़, दिल्ली, दूसरे कोई भी जगह का बाइक है तो आपको ठीक है, आपको एंट्री मिल जाएगी, पर वो भी ले तक, ले के बाद आपको अंदर और अंदर चलाने के लिए आपको नहीं एंट्री मिलेगी, यूनियन के जो रूल्स है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और जो दूसरी एक अपडेट ये भी दे देता हूँ कि अगर आपको मान लो कि आपका खुद का पर्सनल बाइक है या तो आपके फैमिली फ्रेंड्स का बाइक है, तो आप बिंदास से जाके ट्रैवल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 350 से ऊपर का ही बाइक रखना वो ज़्यादा सही रहेगा, और आप आज आराम से अच्छी तरीके से जो ट्रैवल है वो भी कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट विच आर द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन द लद्दाख, तो लद्दाख के अंदर अगर आपको बेस्ट प्लेसेस चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो जो 2 पास है उसका जो जर्नी है वो बहुत ही अमेजिंग है, चांगला पास और खारदुंगला पास, ये दोनों पास बहुत ही अच्छे हैं। खारदुंगला पास इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, सो वहाँ का एक फ्लेवर ही अलग है, और वो दोनों ऐसे पासिस है जो आपको ऑब्वियसली कोई भी लोकेशन पर जाओगे तो आपको बीच में आएंगे। जैसे कि अगर आप लेह से नुब्रा वैली जाते हो तो खारदुंगला पास नज़दीक आएगा, अगर आप पेंगोंग से ले आते हो तो आपको चांगला पास आएगा। तो सेम तरीके से आप वो पासिस का जो जर्नी है वो आप कर सकते हो। तो सो दैट वुड बी द बेस्ट थिंग विच यू विल गेट। एंड उसके बाद की अगर बात करें तो टोटल जो आपका जो नुब्रा वैली है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे जाके ATV राइड है वो आपको मस्ट करना है।
मस्त करना, क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत मज़ा आएगा आपको एटीवी राइड करने में। और वहाँ पे हमने तो बहुत ज़ोरदार फन किया था। इट इज़ लाइक काइंड ऑफ यू नो 1000 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाता है, और बहुत बहुत ज़्यादा एडवेंचर और फन होता है। बहुत लंबा ट्रैक है जो आपको मिलता है, और वहाँ पे जो कैमल राइड है वो तो आई थिंक बंद थी उस टाइम पे, अभी चालू है कि नहीं वो आप एक बार चेक कर लेना, नहीं तो आप कैमल राइड जो है वो भी आप नुब्रा वैली के अंदर आप कर सकते हो। नुब्रा वैली के अंदर डिस्किट मोनास्ट्री करके है, जो मोनास्ट्री वन ऑफ द बेस्ट है और बहुत ही अच्छी है। जो व्यूज़ है वो मैग्निफिसेंट है गाइज, इवन यू हैव टू पे लिटल यू नो प्राइस फॉर दैट, और थोड़ा जाना भी पड़े तो भी वैसे तो आपके रास्ते में आएगा, लेकिन अगर आपको विजिट करना बहुत ही अच्छा वाला मोनास्ट्री जो है वो है, आप बहुत खुश हो जाओगे उस मोनास्ट्री को देख के। और उसके बाद आप जो दूसरा दिन है वो टूटू के लिए रख सकते हो। टूटू के लिए याद रखना कि अगर आपको इंटरेस्ट है टूटूक विलेज के बारे में जानने के लिए, रास्तों के बारे में, और हमारा जो प्राउड वॉर है उसके बारे में, तो फिर आप जो या वहाँ टूटू का जो विलेज है वो आप विजिट कर सकते हो। अगर आपको उसको स्किप करना है तो उसको स्किप करके आप पेंगोंग लेक जो है वो भी विजिट कर सकते हो। पेंगोंग लेक के अंदर जो होटल का नंबर दे रहा हूँ वो बहुत ही बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट होटल है, और जहाँ पे पेंगोंग जो उसका जो बुकिंग है वो पहले से गाइस करवाना पड़ता है। तो आप अगर जा रहे हो तो नंबर नोट डाउन करो, क्योंकि अभी क्या है कि भीड़ ज़्यादा रहती है, तो आपको पहले से बुकिंग करवा दोगे तो अच्छा रहेगा। पेंगोंग लेक का जो नज़ारा है वो भी बेस्ट है, तो मेक श्योर डैट यू नो लाइक यू गो बाय दैट। उसके बाद की जो अगर मैं बात करूँ तो आप सोमोरेरी लेक भी जा सकते हो, लामायुरु भी जा सकते हो। ये सब जो लोकेशंस है वो सब एक्स्ट्रा लोकेशंस है, जो अगर आपको आपके पास टाइम है और आपके पास दिन है आपको कवर करने के लिए तो आप कवर कर सकते हो। तो इसी तरीके से ये जो मेन पॉइंटर्स है वहाँ पे आप घूम सकते हो। कुछ मोनेस्ट्रीज जो है वो बंद है, तो गाइज आई डोंट नो आप जो वो मोनेस्ट्रीज है वहाँ पे विजिट कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि हम गए थे तो उस टाइम पे सिर्फ डिस्किट मोनेस्ट्री जो है वही चालू थी और हमने उसको विजिट किया। तो ये थी बात के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कौन से जो पॉइंट है वहाँ पे आप घूम सकते हो और ट्रैवल कर सकते हो। अब दूसरी जो चीज़ है वो है अबाउट परमिट। तो गाइज अभी परमिट आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, आपको डीसी ऑफिस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका जो पेमेंट है वो नहीं होता या कोई प्रॉब्लम आता है वेबसाइट में या तो नेट नहीं चलता है, तो प्लीज़ मेक श्योर डैट यू नो आप डीसी ऑफिस में जाके परमिट ले लो। वो कोई इतना डिफिकल्ट वाला चीज़ नहीं है, आधार कार्ड चाहिए होगा, आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए होगा, उसमें ऐसा कुछ 96 आवर या 72 आवर्स नहीं है, आप आराम से जाओ और आपको परमिट मिल जाएगा। उसके बाद की बात है होटल्स की। होटल्स की बात करूँ तो लेह के अंदर होटल ग्रैंड यस्मैन, ये होटल का नाम लिख लो और आप अगर मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। सो आप वहाँ पे जाओ, बहुत ही अच्छा होटल है। होटल्स के जो व्यूज़ है वो तो लाइक माशाल्लाह एकदम मस्त है, तो आपको मज़ा आ जाएगा। उसके बाद जो है वो आप हम नुब्रा वैली में डी नुब्रा में रुके थे, पर वो होटल मैं इतना आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इतना मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला था, शायद मेरा एक्सपीरियंस एक अलग हो। बट या आपको ट्राई करना हो तो आप ट्राई कर सकते हो। बट जो पेंगोंग लेक पे जो है पेंगोंग सो होटल, तो वो तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मस्त था। खास करके जो वो बंदा इतना प्यारा था, मतलब लाइक उसने जिस तरीके से सर्विस दिया दैट वाज अमेजिंग। सो आप वहाँ पे भी रुक सकते हो। तो ये थी बात होटल्स की कि जहाँ पे आप रुक सकते हो, और एवरेज टू एवरेज अराउंड आप मान लो 2000-2500-3000 तक आपको मिल जाएगा अच्छा खासा रो। सो वो भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। अभी लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि गाइज अभी मैंने देखा है रिसेंटली जो वीडियोज़ मैंने जो देखे हैं और अपडेट्स जो देखी है उसके हिसाब से गाइज वहाँ पे क्राउड जो है अभी वो बहुत बढ़ रहा है, ओवर क्राउडेड हो रहा है। मेरे हिसाब से जब मैंने ट्रैवल किया था तब उस टाइम पे कोई क्राउड नहीं था, कोई बंदा ही नहीं था। मतलब इवन हम खारदुंगला में गए तो वहाँ पे तो कुछ भी बंदे नहीं थे, चांगला में भी कोई बंदे नहीं थे। तो मेरा यही सजेशन है कि ऐसा हो तो आप एक बार देख लो, अगर आपको ठीक है आपको अच्छा लगता है तो आप जाओ, लेकिन कोविड नॉर्म्स है उसका ध्यान रखो, अपने आप को सेफ रखो। और बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट था कि गाइज प्लीज़ निशांत इस चीज़ पे भी वीडियो बनाओ, तो मैंने इस चीज़ पे वीडियो बना दिए। आपके कोई भी क्वेश्चन कंसर्न्स कुछ भी है
मैं आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और बस इसी के साथ जुले कभी ना भूले, एंड थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सीरीज़।